केंद्रीय खेती बिलों ने पंजाब नू हिला के रख दिता है और एक खतरा पैदा हो गया भी जे बिल लागू हो गए तो पंजाब की किसानी तबाह हो जाएगी। अज तुहानू असी केवल पंजाब मंडी बोर्ड बारे दसांगे भी जे ये बिल लागू हो गए तो पंजाब मंडी बोर्ड किवें ढै ढेरी होगा। भारत सरकार वालों खेती संबंधी पास किए तीन बिलों ने जिथे कई राज्यों के अन्नदात्यां नूं सड़कां अते रेल दीआं पटड़ियां उपर रातां गुजारन लई मजबूर कर दिता है, उत्थे पार्लीमेंट तों लैके पिंडां तक सियासी भूचाल जिहा आया पिया है। असी अज तुहानूं इन्हां बिलों नाल इकल्ले पंजाब मंडी बोर्ड के ढै ढेरी होण दे पैदा होए खतरे तों जाणू करवावांगे। मंडी बोर्ड सूबे दे वित्ती थंब वजों देखिया जांदा है। बोर्ड की कणक झोने फल ते सब्जियां बासमती ते कपाह तो हासिल हुंदी फीस नाल सालाना 4000 करोड़ रुपए के करीब आमदन हुंदी है। मंडी बोर्ड सूबे के समूह पिंडां नूं 67000 किलोमीटर लंबियां लिंक सड़कां नाल जोड़न की जीवन धारा है। सूबे दीआं लिंक सड़कां बनाउण ते मरम्मत करन उपर मुढ तों लैके हुण तक 33000 करोड़ रुपए खर्च चुका है। मंडी बोर्ड में तकरीबन 6000 के करीब मुलाजम काम करते हैं। बोर्ड रिटायर होए 1500 के करीब मुलाजमान नूं पेंशनां दे के उन्हां दे बुढ़ापे का सहारा है। मंडी बोर्ड नूं मोदी सरकार के खेती बिलों की सट वजन कारण 6000 मुलाजमान ते 1500 पेंशनरां दे लवारस होण दा खतरा भी पैदा हो सकता है। पंजाब दे विच जो पेंडू इंफ्रास्ट्रक्चर आ वो मंडी साडा जिहड़ा मंडी बोर्ड आ उहदे वल्लों विकसित किया जाता, पर हुण जदों इह खेती बिल आ गए उहदे विच मंडियां रहणियां ही नहीं ते जिहड़ा इहदे विच तकरीबन 4000 करोड़ रुपया जिहड़ा इनकम हो रही सी जिहदे सिर दे उत्ते इह इंफ्रास्ट्रक्चर पेंडू इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा सी, रोड्स बन रहियां सी, वह सारिया खत्म हो अनइंप्लॉयमेंट वालू भी वधावा देगा क्योंकि बहुत वड्डी गिनती दे विच जेड़े मुलाजम आ उन्हां दी शांटी करनी पौगी, जेड़े इहदे रिटायरी उन्हां दे उत्ते भी इंपैक्ट पए। मंडी बोर्ड ने कई दहाकियां दी मेहनत नाल सूबे विच करोड़ां रुपए का सरमाया ला के अपना विशाल मंडी नैटवर्क कायम किया है। मंडी बोर्ड नूं ठेस लगन नाल इस विशाल मंडीकरण ढांचे का की बनेगा एक वड्डा सवाल है। जिहड़ा साडा मंडी बोर्ड है बड़ी मशक्कत दे नाल सिस्टम यह तैयार किया सी, वह तहस नहस हो जाएगा। इहदे विच जो मार्केट फीस लगती है 3% उहदे नाल मुलाजमां दी तनखाह ते मंडियां दी व्यवस्था फर्श पाउणे पाणी दा प्रबंध करना किसानां लई ते सब्जी मंडी वास्ते भी नाल ही शैड पाउणे सारा कुछ दा ढांचा तहस नहस हो जाएगा। दूजा जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड लिया जांदा उहदे नाल पिंडां दीआं जो लिंक सड़कां बनाईआं जांदीआं या होर जिहड़े उत्थे विकास कार्य करे जांदे ने उह सारे बंद हो जाणगे। मंडी बोर्ड ने साल 2018 तो लैके हुण तक पेंडू अते खेती विकास समेत किसानां नूं राहत दे रूप में तकरीबन 12000 करोड़ रुपए खर्चे हैं। आओ तुहानूं इस दा विस्तार भी दसदे हाँ। बोर्ड ने साल 2018 तो लैके हुण तक करजे हेठ डुबे किसानां नूं राहत वजों 5,789 करोड़ रुपए मुहैया करवाए हैं। लिंक सड़कां की मुरम्मत उपर 4,084 करोड़ रुपए खर्चे हैं। 200 स्कूलों में समार्ट क्लासा बनाने 96 करोड़ रुपए का योगदान पाया है। समार्ट विलेज स्कीम तहत फेज 1 में 325 करोड़ अते फेज 2 लई 585 करोड़ रुपए लाए हैं। श्री गुरु नानक देव जी के चरण छोह प्राप्त पिंडां दे विकास लई भी 55 करोड़ रुपए लाए हैं। 24 घंटे रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन उपर 11 करोड़ अते पिंड बरगाड़ी के विकास उपर 3.25 करोड़ रुपए खर्चे हैं। खेतीबाड़ी के विकास उपर 5.32 करोड़ रुपए खर्चे हैं। इत्थे ही बस नहीं, इस समय दौरान मंडिया के मुकम्मल ढांचे उपर 850 करोड़ रुपए खर्चे हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना तहत किसानों लई 150 करोड़ रुपए खर्चे हैं। वख-वख हादसों के पीड़ित किसानों नूं राहत राशि वजों 30 करोड़ रुपए दिते हैं। खेतीबाड़ी खोज स्कीमों उपर भी साल 2018 तो लैके हुण तक 8 करोड़ रुपए खर्चे हैं। मंडी बोर्ड सूबा सरकार के वित्तीय संकटों दौरान भी अक्सर वित्तीय थंब बन के खड़ा आ रहा है।
हुण तुसीं खुद ही अंदाजा ला सकते हो कि खास करके देहाती पंजाब की जिंद जान की भूमिका निभा रहे पंजाब मंडी बोर्ड नूं जे मोदी सरकार के खेती बिलों ने तहश नहश कर दिता तो सूबे लई इह कथित खेती सुधार बिल किहड़े भाव पैणगे। सो तुसीं देखिया खेती बिल जिहड़े ने ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤਕ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਏਗਾ।